देखो बच्चों ये प्रश्न लिखा है, व्हाट प्रॉब्लम, कह रहे देयर आर 25 अलमीराज इन अ लाइब्रेरी, 25 अलमारी, अलमीरा मतलब होता है इसकी हिंदी अलमारी, 25 अलमारी है किसी भी लाइब्रेरी में, क्या चीज है 25 इस तरीके से अलमारी बनी हुई है और इसमें रैक बनी हुई है, क्या बनी हुई है रैक इस तरीके से किताब रखने के लिए, कितनी अलमारी है 25 इस तरीके की 25 है ना, चार दिखाई यहां पर 25 अलमारी बनी हुई है। आप इसमें क्या कर रहे हैं किताबें रख रहे हैं, जैसे आपने हमारी अलमारी देखी होगी उसमें किताब रखी है एक एक लाइन में, एक लाइन में कितनी है ये बुक्स है, तो वो ये कह रहे हैं हाँ एंड ईच अलमारी है 275 बुक्स, हर अलमारी में जो 25 अलमारी है हर अलमारी में 275 बुक किताबें हैं, 275 इस तरीके से 25 अलमारी में भरी उन्होंने किताबें, कितनी अलमारी भरी 25 अलमारी में, तो कह रहे हैं कि टोटल कितनी किताबें होंगी अगर एक अलमारी में कितनी किताब भर रहे हैं 275 और हमारे पास अलमारी कितनी है 25 अलमारी भरना, मान लो हम आपको किताब दे दें जो किताबें बटने के लिए आती हैं आपके लिए और कहें कि हमारे पास दो अलमारी है, कितनी हमारे पास दो है, दो अलमारियों में किताबें भरना है किस रेट से 300 एक अलमारी भरना है, तो कितनी भरी जाएंगी किताबें उसमें दो अलमारियों में 300 किताबें भरना है एक अलमारी, तो कितनी किताब हो गई 600 किताब हुई, लेकिन यहाँ पर कितनी है 25 अलमारी है इसके पास, 25 में एक अलमारी में कितने भर रहे हैं 275, तो ऐसे सवाल में क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, 275 को गुणा कर दो 25 से सारी किताबें आ जाएंगी, कितनी किताबें हैं समझ में आया, 5 × 25 के 5 हासिल लगा 2 × 5 = 35 और 2 हासिल लगा 3 × 5 = 10 = 13 हाँ 10 × 14 = 15 हासिल लगा 1 × 2 = 4 = 5 हाँ देखो कितनी किताबें आ रही हैं बुक्स टोटल बुक्स कितनी आ गई 6875 किताबें 25 अलमारी में आराम से रख दी जाएंगे, समझ में आ गया, पहचानना जरूरी है गुणा का है जोड़ का, थैंक यू वेरी मच।